अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरुजा सैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है PCOS में इनोसिटॉल का और डी काइरोनोसिटॉल का क्या रोल होता है। इससे पहले कि इन दोनों चीजों का मैं आपको रोल बताऊं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि PCOS बेसिकली होता क्या है। PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक जो है एक डिसऑर्डर है, नॉट अ डिजीज जस्ट अ डिसऑर्डर। अब हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, जिसमें जो आपके हार्मोन्स का फंक्शन होता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। अब जब आपके हार्मोन्स का फंक्शन वेट कर जाता है तो उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी पे बहुत से जो है वो उसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, बहुत सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने लग जाता है। अब अगर मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करूं कि वो क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपका वेट बहुत ज्यादा गेन होने लग जाता है, हिप फैट हो गया, थाई फैट हो गया, बैली फैट हो गया, ये आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। आपको डायबिटीज भी हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ठीक है, आपके जो है वो मेमोरी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, और आपके जो फेशियल जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये सारे जो है वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि PCOS की वजह से हमारी फीमेल्स को फेस करना पड़ सकते हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस का जो सबसे जो बेहतरीन जो क्योर होता है वो ये होता है कि आप अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा जो है वो हेल्दी चीजें ऐड करें। अब अगर हम जो है वो इसकी न्यूट्रास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डी काइरोनोसिटॉल और इनोसिटॉल का बहुत ही मेजर रोल होता है PCOS को क्योर करने में। इसका क्यों जो है वो मेजर रोल होता है, डी काइरोनोसिटॉल होता है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है, आपके वेट को जो है वो गेन नहीं होने देता, और आपका जो हार्मोन्स होते हैं जो कि फ्लक्चुएट कर जाते हैं PCOS की वजह से, उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इनोसिटॉल का भी ये फंक्शन होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देता, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको बेटर करता है, यानी कि जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शन को बेटर करता है। जो आपको PCOS की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पैनिक डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। तो इस वजह से डी काइरोनोसिटॉल और इनोसिटॉल का बहुत मेजर रोल होता है आपके हार्मोन्स को ठीक करने में। वैसे तो मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं PCOS को क्योर करने के लिए, बहुत सी न्यूट्रास्यूटिकल भी हैं, फार्मास्यूटिकल भी हैं, साशे की फॉर्म में भी आती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती हैं, लेकिन जो है यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट बताना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है PCOS को क्योर करने के लिए, और इफेक्टिव इसलिए है जो उसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, फोलिक एसिड भी है, डी काइरोनोसिटॉल भी है और इनोसिटॉल भी है। जो हमारे पास जो मेनली हमारे पास जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके अंदर या तो जो है जस्ट जो है वो डी काइरोनोसिटॉल होता है, या जो है वो उसमें फोलिक एसिड नहीं होता, या उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होता। तो हमारे पास जो है इस प्रोडक्ट के अंदर ये बहुत अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये प्रोडक्ट जो है वो ये एवेसिटॉल के नेम से जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। इसकी कंपोजिशन ये है कि इसमें जो है इनोसिटॉल भी प्रेजेंट है, डी काइरोनोसिटॉल भी प्रेजेंट है, फोलिक एसिड भी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रेजेंट है। जैसे कि इनोसिटॉल का और डी काइरोनोसिटॉल का मैं फंक्शन आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, तो फोलिक एसिड का भी फंक्शन यही होता है कि ये आपकी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। अब जिनको हार्मोन्स का इशू होता है उनके आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसी होने लग जाती है, जितने भी हमारे जो बी चेन के विटामिंस होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो फीमेल्स हैं वो एनीमिक हो जाती हैं। तो इस फोलिक एसिड की वजह से जो है वो आपकी जो है वो फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और खासकर जो मैरिड फीमेल्स हैं जिनको हार्मोनल इंबैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, अगर वो इसका जो है वो इनटेक करेंगी तो जब आफ्टर कंसेप्शन जो है उनको प्रेगनेंसी में जो है वो इश्यूज नहीं होंगे। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। अब इसका क्या फंक्शन होता है कि ये आपकी जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब जब हार्मोन्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है तो पैनिक और एंजाइटी होने की वजह से क्या होता है कि हमारी मेमोरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें एक तो चीजें जो है वो याद नहीं रहती, दूसरे हमें बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन हो रहा होता है, एंजाइटी हो रहा होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हमारी जो ब्रेन जो डेवलपमेंट होती है उसको बेटर करने में जो है वो हेल्प करता है, इसलिए एक कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको जो है वो PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, साथ ही साथ जो है वो आपका स्टक वेट है, या आपका जो है वो वेट जो है वो गेन होता रहता है, कभी आपका जो है वो आइडियल बॉडी वेट पे आप नहीं आए हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आप इस प्रोडक्ट को यूज करें। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जाकर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, और जो है ये आपको बहुत सी फार्मेसीज पे भी जो है वो इजीली अवेलेबल होंगी। अल्लाह हाफिज़।